लखनऊ के चारबाग बस स्टेशन पर अचानक एक बस में आग लग गई। गनीमत रही कि फायर विभाग के द्वारा जल्द ही आग पर काबू पा लिया गया, कोई हताहत नहीं हुआ है। लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर खड़ी आलमबाग डिपो की बस में रात अचानक आग लग गई। आग लगने से वहां भगदड़ मच गई। हादसा तब हुआ जब प्लेटफार्म पर लगने जा रही थी कुछ यात्रियों ने जान जोखिम में डालकर बस को रोका। वहीं हजरतगंज और आलमबाग फायर स्टेशन की 3 दमकल गाड़ियों ने तत्काल पहुंचकर आग पर काबू पाया। इतना बड़ा हादसा होने से बच गया। फतेहपुर सीख जारी जा रही थी बस, बड़ा हादसा टला। चारबाग बस अड्डे परिसर से शनिवार रात आलमबाग डिपो की अनुबंधित बस आधे घंटे बाद सवारियों को लेकर फतेहपुर के लिए जाना था। चालक बस को प्लेटफार्म नंबर 1 पर लगाने की तैयारी कर रहा था। बस जैसे ही चली एक बीच अचानक पिछले हिस्से में आग लग गई। धुआं और आग की लपटें निकली देख अफरा तफरी मच गई। कुछ यात्रियों ने हिम्मत दिखाकर बस को ईंट लगाकर रोका। यदि बस आगे खड़ी बस से टकरा जाती तो बड़ा हादसा हो सकता था। परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने सुरक्षा की दृष्टिगत माइक से लोगों को दूर जाने की हिदायत दी। इस बीच दमकल कर्मियों ने 3 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। FFO हजरतगंज, राजकुमार रावत फायरमैन, ओमनाथ यादव टीम अन्य आधे घंटे कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इकबाल अहमद, लखनऊ, समाचार 24।